हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटऑल आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं क्या किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस की की है। मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल तो यहाँ पर इस मूवी के मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर ज्योनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई के से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनम से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जनम से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन, कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरीलाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरीलाइन एंड पंचलाइंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑटो वाले एडिटिंग को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मतबाब तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को कन्फर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी वन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रितारavel जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सीनेमाटोगाफर कौन थे जैसे सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलं जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आटू ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन इस मूवी को किस दिन पे रिलीज किया गया तो ट्वेंटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीस इस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटडोर ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को में वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी वन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या, क्या रेटिंग्स रही लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई के डीबी से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के जूस की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के जूजेस की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ तो पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीन तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्शा को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सैनेटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सैनमेटोग्राफर कौन थे मेरे जैसे सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट तो टू हावर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि तो इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सेनेमाटोग्राफर कौन थे मे जैसा सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में जिस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग एंड मूवी की रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बारे हम डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस इस मूवी मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस की ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी वन मिनट की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ, साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डीबी से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डीबी की जनब से इस को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्वतानु गुप्ता के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रितारavel जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे मे जैसा सीनेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर वो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट टू ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अॉकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में के इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पे रिलीज किया गया तो ट्वेंटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इतनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटऑल आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे कौन से पर्सन थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे की आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी वन मिनट की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई के डी से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी topic -oh के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सेनेमाटोग्राफर कौन थे सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस, इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इनफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के, के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं की अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटऑल आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई मींस इसका क्या क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन थी एंड इस के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी वन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ, साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की के बारे में मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या, क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डीबी की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को, को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन एंड के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीन्स तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्य जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलं जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन तो कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन तो को, को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी कीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई वीडियो तो में तब तक के लिए friends, channel, जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में की कि किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस 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 मूवी 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 की 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 टाइम 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 ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना देना होगा तो अराउंड अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या, क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली दी वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन एंड के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन एन के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर, तो तो कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑर्ट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्वतानु गुप्ता के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरीलाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरीलाइन एंड पंचलाइंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ओल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर वो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट टू ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए नाइनटीन के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग किया एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटऑल आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हारियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्ट में के मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डी की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑल्टोर डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर स्वतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्स को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सीनेटोग्राफर कौन थे मेरे सेनेमाटोगाफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आटो ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको आप इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया था यहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड कौन कौन से पर्सन थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इन्जॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी Means इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन एंड के यूज की जब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन एंड के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेश कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑल्टोर डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर स्वतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्स को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सिनेमाटोग्राफर कौन थे मीन जैसा सनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आटो ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्स फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स हमने वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहुंची रहे वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं क्योंकि इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई मींस इसका क्या क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन थी एंड इस के मेंस्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीनस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या लग लग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डीबी की जानवे इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डीबी की जानव से इस को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डीबी की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटे टमाटोज की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन एंड के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनम से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के डायलॉग्स तो को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूस के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आटो ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में के इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्स फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे

उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी वन मिनट की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के डीबी जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के जूस की जनब से

तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑल्टो और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सोतानु गुप्ता के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रितारavel जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सेनामाटोग्राफर कौन थे जैसे सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सेनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट टू ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट टू ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी नाइनटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई इस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अबाउट केवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के आई से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन एंड के यूजर्स की जानव से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी। के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑल्टोर डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्शन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे मेरे जैसा सनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट आर्टोल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट आर्टोल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्सटी करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में, में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इनफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटू ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं क्योंकि इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी मूवी बनाई गई इसका क्या क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन थी एंड इस के मेंस्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के के टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन बारे में कि इस इस मूवी मूवी की क्या थी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या लग लग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के एम आई से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की जब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में के तो इस मूवी तो के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑल्टोर डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको तो इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड फंक्शन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सेनेमाटोग्राफर कौन थे जैसे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सेटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के ऑटो वाले एडिटिंग को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्स फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे तो ठीक है साथ-साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक بااسانی पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की के बारे में कि तो मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लय्यर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में क्या लग लग, के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डीबी की जानव से मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑटोर डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सोतानु गुप्ता उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरीलाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरीलाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के इस मूवी के प्रोडक्शन को उसी के बारे में इस मूवी के इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्य जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे दिखा जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट टू ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट टू ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी इस मूवी को किस दिन पे रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू नाइनटीन नाइनटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था था वो पर 2.65 करोड़ इंडियन का जी दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में, में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीस इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है क्या मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड कौन कौन से पर्सन थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जो लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के डी जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की डी से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन एन के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के और डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्शाइस को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सैनमेटोग्राफर कौन थे मेरे जैसे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर वो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था था वो पर 2.65 करोड़ इंडियन का जी दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहां पर सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में, में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्स फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहुंची रहे वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस की किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अब मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या, क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई के से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जनम से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड पंक्शा को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सेनेमाटोग्राफर कौन थे मीन जैसा सैनेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर वो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए मूवी के लिए बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्सटी फाइव करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में, में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मतबाब तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को कन्फर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड कौन कौन से पर्सन थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं की के बारे में। कि इस की तो इस मूवी की टाइम की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल तो यहाँ पर इस मूवी के मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरीलाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरीलाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रितारavel जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी सेनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलं जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट आर्टूआल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आटू ऑल चीजें इन्होंने ही इन अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मतबाब तो ज़रूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे एंड कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लेयर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई के डीबी से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड रैटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर, तो तो कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं के बारे में किस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ओ ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई इस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटडोर ऑल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उन्होंने इस इस इसके ऊपर कैसे वर्किंग की बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू आवर्स एंड फिफ्टी वन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लय्यर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लो लोग तो लो बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आईएमडीबी के डीबी से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन एंड के यूजर्स की, से, तो की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमा के यूजर्स की जनब से इस फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑर्ट और डायलॉग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीन तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सैनेटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सैनमेटोग्राफर कौन थे मेरे जैसे सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलं जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी कीन इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्स सिक्ष कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मींस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउट आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की एंड एंड कौन कौन से थे कितना बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहां पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर चोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या, क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डीबी की जनब से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के जूस की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के जूस की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जन्म से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के आउट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो, तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीनस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लाइन एंड पंक्स को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे जैसा सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी आर्ट वार एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंद जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किस्म की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की एंड मूवी की ये रेटिंग्स रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आप आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स के बारे में उन्होंने इसके ऊपर कैसे वर्किंग की बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में कि इस मूवी का जैनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस की वन की है। मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्प्लीट होने वाली यह एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल तो यहाँ पर इस मूवी के मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लय्यर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डीबी की जब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डीबी की जनब से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटो के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को 54 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स के जन्म से इस मूवी को सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वाल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलगस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सोतानु गुप्ता के साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मींस तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन एंड पंक्चंस को राइट किया उसी के साथ-साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर महारुक जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर कौन थे सीनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर वो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ओ चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल फोर इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस सौ चौवन को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया तो इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इतनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है हर किसम की मूवीज के बारे में कि ये किस तरह की मूवीज बनाई गई मीन इस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीनस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि अगर मूवी को लाइक किया या फिर डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग किया एंड मूवी की ये रेटिंग रही उसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के लिए उन्होंने कितना बजट लिया था एंड उस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो आउटल आप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों तो से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 1994 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या था इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बताएंगे इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में एंड रेटिंग्स के बारे हम डिस्कस करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर के बारे में इसके ऊपर कैसे वर्किंग की बजट इन्होंने लिया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया साथ ही साथ एट द एंड हम आपको ये भी बता देंगे की आप लोग किस तरह इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत ही आसानी के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं इस मूवी को एंड बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी का जेनर क्या था मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड रोमांस बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस इस मूवी मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट टू हावर्स एंड फिफ्टी वन मिनट की है मतलब दो घंटे और इक्यावन मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में मधुरी दीक्षित जी शाहरुख खान दीपक तिजोरी कल्पना लैर जोनी लेवर तिन्नू आनंद एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं आई एम डी की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जनब से इस मूवी को फिफ्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनम से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनम से इस मूवी को सेवेंटी टू परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही मीन जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आर्ट वॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी अच्छी रेटिंग्स रखने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे तो अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर राहुल रावेल जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में इस मूवी के राइटर्स कौन थे तो डायलग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोमी जाफरी जी आपको दिखाई देंगे इस मूवी के ऑर्ट और डायलग्स को राइट करते हुए एंड स्टोरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शोतानु गुप्ता एंड उनके साथ गौतम जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे मीन्स तीन पर्सन ने मिलकर इस मूवी की कम्पलीट स्टोरी लाइन एंड पंक्स को राइट किया के साथ साथ के 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 तो के के उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर महारुख जोकी जी एंड रीता रावेल जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सेनेमाटोग्राफर कौन थे मीज सेटोग्राफर इस मूवी के अंदर आपको कौन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी को संभाला तो यहाँ पर समीर आर्या जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर सुरेश चतुर्वेदी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर आनंद एंड मिलंत जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह आर्ट ऑल चीजें इन्होंने ही अरेंज की म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर शिव भारत फिल्म्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस इस मूवी को किस दिन पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब बाईस अप्रैल उन्नीस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इस दिन ये मूवी इंडिया में चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में किस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज दिखाई गई तो इस मूवी के अंदर जस्ट इंडिया को ही दिखाया गया जो इस मूवी के अंदर इसके अलावा किसी कंट्री को शो नहीं किया गया एंड लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लें तो इस मूवी के अंदर जस्ट प्योर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो अभी हम लोग बात करते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कितनी ओल्ड मूवी थी तो इसके लिए बजट कितना लिया गया एंड इस मूवी ने उस टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया तो इस मूवी के लिए 1994 के अंदर जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 2.65 करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों उस टाइम में इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर टू पॉइंट सिक्स करोड़ एंड आई थिंक उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा बजट था इस मूवी के लिए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो उस टाइम इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया वो था यहाँ पर नाइन पॉइंटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज़ का जी हाँ दोस्तों टू पॉइंट सिक्सटी फाइव लगाकर नाइन पॉइंट सिक्सटी सिक्स कमाने वाली जबरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए एंड ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इनफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़